आदरणीय योगेंद्र मोहन जी, बहन ऋतु जी, मोहंती जी, मेरे नौजवान दोस्तों, बहनों और भाइयों, बहुत लंबी कहानी मोहंती जी ने बताई अभी मेरे यहाँ पहुँच पाने की दिक्कतों की। मैं खुद भी आना चाहता था यहाँ, लेकिन कुछ वक्त पहले जब मेरी ये यूरोप के कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ बातचीत हो रही थी और भोजन हो रहा था, तो उन लोगों ने काफ़ी जिज्ञासा से पूछा कि भाई सत्यार्थी जी, ये बताइए कि क्या चैलेंजेस, क्या दिक्कतें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं आप। तो मैंने कहा कि मैं, आप लोगों ने खासकर जो नोबेल प्राइज कमेटी है उसने हमारे साथियों की दिक्कतें बहुत बढ़ा दी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि करीब 13,000 निमंत्रण हमारे पास आ चुके हैं अभी तक, और हमारे साथी अगर उसको सुनिश्चित कर दें कि हमें सभी के यहाँ जाना है, तो मुझे 35 साल तक सिर्फ घूमना ही, सारा काम धंधा बंद करके सुबह से रात तक अगर मैं एक एक जगह जाता रहूं, बल्कि एक दिन में 3-3 जगह भी जाता रहूं, तो 35 साल लगेंगे। तो मेरी ज़िंदगी से 35 साल चुराने की कोशिश हो रही है, ये तो संभव नहीं है, बहुत ही कम जगह पे जा सकते हैं। मैं उनको एक और बात सुना रहा था कि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं जितना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ड्राइवर था, वैसा ड्राइवर हमें नहीं मिला। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के भाषण होते थे अपने विषय पर, सापेक्षता के सिद्धांत पर, तो उनका ड्राइवर उनके भाषण सुना करता था, 50-100 भाषण हो गए। लेकिन खुद आइंस्टीन साहब बहुत परेशान हो गए कि बार 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 वही बात कहनी, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इतने सारे इन्विटेशंस हैं। तो उनके ड्राइवर ने कहा कि आप सचमुच बोलते बोलते थक जाते हो, बोर भी हो जाते हो, तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग आपको पहचानते नहीं हैं, शक्ल से, आपके नाम से, आपके काम से जानते हैं, तो मैं कर देता हूँ वो काम। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जान गया हूँ, आपके भाषण मुझे शब्द से रट गए, तो मैं वो कर देता हूँ। बोले ये आइडिया ठीक है, बोले चलो ये शुरू करते हैं, मैं पीछे बैठ जाऊँगा, तुम भाषण दो। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब पहुँचे मोहंती साहब के प्रोग्राम में, पीछे बैठ गए। हो सकता है कैलाश सत्यार्थी पीछे बैठे हों। तो वो अपना बढ़िया भाषण उन्होंने दे दिया ड्राइवर महोदय ने, बहुत लोग ताली पीटे, बहुत लोग प्रसन्न हुए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट लोगों को लगा कि इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें सवाल पूछना चाहिए। तो जब भाषण खत्म हो गया तो उन्होंने सवाल शुरू किए कुछ लोगों ने। अब इनको पसीना छूटने लगा, आप देखें कि अगर मुझे पसीना छूट रहा होगा तो मैं ड्राइवर हूँ। So, वो भी अकलमंद आदमी था, आखिर आइंस्टीन का ड्राइवर था। तो बोले देखिए, ये सवाल जो आप पूछ रहे हो ये बहुत बचकाने सवाल है, द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, व्हाई शुड आई बॉदर टू आंसर। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए, वो बैठे हैं पीछे। तो
ये काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई। एक तो ईश्वर की कृपा से और हमारे सबके साथियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप नोबेल शांति पुरस्कार के इतिहास में पहली बार बच्चों पर, समाज के सबसे दबे कुचले पिछड़े उपेक्षित बच्चों पर काम करने वाले किसी व्यक्ति को ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। पहली बार जमीन पर सीधे किसी मामले पर संघर्ष करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये पुरस्कार दिया गया है उनके इतिहास में, और पहली बार किसी ठेठ देसी भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया। तो इतने सारे संयोग एक साथ हो गए जिसके वजह से हजारों हजारों लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे ही आदमी है कैलाश जी। अब ऐसी ऐसी फोन हमारे यहाँ आ रहे हैं, कैलाश जी को हम 15 साल पहले मिले थे, हम तो जानते हैं, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमारी बीवी हमसे झगड़ा कर रही है, इसका समाधान ढूंढा दीजिए। मैंने कहा श्रीमान जी, जब आप ये समाधान ढूंढ लें तो मुझे बुला लीजिए। तो तरह तरह के ऐसे फोन चले आ रहे हैं, चिट्ठियां भी आ रही हैं, लेकिन मैंने पहले ही दिन कहा, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन द मीडिया पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट डज इट मीन फॉर यू द नोबेल पीस प्राइज, एंड आई स्पॉन्टेनियसली रिप्लाइड that this is the biggest ever recognition to the voiceless, nameless, faceless, exploited and abused children of the world. It never happened before. But the credit of this prize does not go to me alone. It goes to all my sisters and brothers of my nation, my country, my India. Because India may be a land of 100 problems, but this is the mother of 1 billion solutions.